और अभी हम बात करेंगे एनिमल किंगडम में, और खास तौर पे आज हम बात करने वाले हैं अपने एनिमल टैक्सोनॉमी में। ठीक है, एनिमल टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को पता है कि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा रटना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रखा है कि आप थोड़ा सा इससे कम परेशान हो, इसको टेबुलर फॉर्म में मैंने रखने की पूरी कोशिश की है। अब देखिए, आपको एनिमल टेक्सोनॉमी में हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक का सब कुछ कवर करेंगे अपन, है ना। तो सीधे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फाइलाज की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइलाज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर करीब करीब 12 फाइलाज रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वन, ये आप दिख रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक ऐसी चीज है जो कि प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, ये आप सबको पता ही होगा। और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कि आपको याद रखना है, कभी भी अमीबा और पैरामीशियम ये बोला जाए तो आप उसे समझ जाएगी प्रोटोजोआ फाइला में आता है। और इस तरह से फिर पॉरीफेरा में आता है आपका स्पॉन्जेस, है ना। स्पॉन्जेस बोला जाए तो आपको यही ध्यान आना चाहिए, ठीक है, स्पॉन्जेस और पॉरीफेरा। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में आता है अमीबा और पैरामीशियम, और पॉरीफेरा में आता है आपका स्पॉन्जेस। ठीक, इस तरह से अब ये मैंने तीन रखे। फिर एक है कॉलेंट्रेटा, कॉलेंट्रेटा में आएंगे आपके हाइड्रा और जेलीफिश, और आपके टेनोफोरा में आएंगे ल्यूरोब्राशिया, है ना। प्लेटी हेलमेंथिस में आ जाएगा टेप वर्म, इसी तरह से नीमेट हेलमेंथिस में आ जाएगा आपका एस्केरिस, और इस तरह से एनिलिडा में आता है आपका अर्थ वर्म या फिर लीच। फिर यहाँ पे आर्थोपोडा में आ जाइए, आर्थोपोडा में एक इंसेक्ट्स आएंगे, स्कॉर्पियन आएंगे, फ्लाई आएगी। फिर इस तरह से मोलस्का, फ्लाई मोलस्का फाइला में क्या क्या आ जाता है, स्नेल आता है, पाइला आता है, ऑक्टोपस आता है। फिर इकाइनोडर्मिटा में आपके स्टार फिशेज आते हैं, और हेमिकॉर्डेटा में आपके बैलेनोग्लोसेस आते हैं, और कॉर्डेटा में आपके फिश है, फ्रॉग है, स्नेक है, बर्ड्स है, मंकी है ना। तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं। आपने जो अभी भी सारे फाइलास देखे 12, वो किस तरह से ऐसे डिफाइन किए जाते हैं, उनके क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है, तो ये 10 बेसिस है जिसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। आप इसमें से पहला देख रहे हो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पर बात करेंगे अभी अपन। इनकी सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुए हैं, जितने फाइलास आपने अभी जस्ट पहले देखे हैं, है ना, जितने भी फाइलास आपने ये देखे हैं सारे के सारे, इनका सिमेट्री के बेस पे भी क्लासिफिकेशन हुआ है, इनका जर्म लेयर्स के भी बेसिस पे भी हुआ है, बॉडी कैविटी और बॉडी प्लान के भी बेसिस पे है, सेगमेंटेशन है, फिर नोटोकॉर्ड के बेस पे हुआ है, सर्कुलेटरी के बेस पे हुआ है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पे हुआ है, और एक आपका लार्वा स्टेज है ना। लार्वा स्टेज में हम देखेंगे कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लार्वा स्टेज। देखिए, अभी इस वीडियो में मैं आपके लिए सिर्फ कवर करूंगा ये शुरू के 5, है ना। फिर मैं अगले वीडियो में आपके इसके अगले पार्ट में लेकर के आऊंगा इनके 10। तो अब सीधे बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है। देखिए, इतना तो आपको पता ही है कि एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर में होने के बाद भी उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अलग अलग है, है ना। यानी कि उनमें ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है सेल्स का, वो बहुत अलग अलग तरीके से। जैसे कि ये सबसे ये तरीके, ये 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है इसका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, एक होता है भैया सेलुलर लेवल पर, एक होता है टिश्यू लेवल पर, एक होता है ऑर्गन लेवल पर, और एक होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल पर। देखिए, इन 2 से लेकर के 5 तक जो लिखे हुए हैं इन पे तो आपको बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि सेल से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं, कई सारे टिश्यूज से मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन कई सारे ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो इन पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम किस पर बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक क्या चीज होती है, प्रोटोप्लाज्मिक वो होता है एक ए सेलुलर बॉडी, है ना, जिसमें सेल नहीं है लेकिन वो बिहेव ऐसा करेगा जैसे वो मल्टी सेलुलर बॉडी है ना। ये क्लियर रखिएगा, इसमें सेल एक भी नहीं है, इसलिए इसे ए सेलुलर बॉडी कहते हैं, लेकिन ये बिहेव ऐसा करता है जैसे कि ये मल्टी सेलुलर बॉडी, बस उसी चीज को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। अब इनके एग्जांपल्स देख लीजिए कि प्रोटोप्लाज्मिक में कौन सी चीज आती है, तो इसमें आती है प्रोटोजोआ। ठीक है, ये वाला फाइला इसमें आता है। फिर सेलुलर लेवल पे कौन से फाइलाज आते हैं जिनके सेलुलर लेवल पे हैं, तो इनके सेलुलर लेवल पे आ जाते हैं भैया स्पॉन्जेस, अभी आपको बताया था मैंने पॉरीफेरा फाइला, है ना। टिश्यू लेवल पे कौन से फाइलाज आते हैं अपने पास, एक है कॉलेंट्रेट्स और एक है टेनोफोर्स, है ना। ये आपको देखिए, ये सब याद तभी होगा जब आप पहले जाकर के वीडियो में शुरू में ही सारे के सारे फाइलास जो मैंने लिखे उन्हें पहले बिल्कुल रट डालो,
जब आप उन्हें रट डालोगे तब आप इन्हें यहाँ पर आकर के उन्हें मैच कर पाओगे। ठीक है, तो फिर से है ना स्टार्ट करते हैं। तो अपन कहाँ तक आ गए थे, प्रोटोप्लाज्मिक में होता है प्रोटोजोआ, सेलुलर लेवल पे आ जाते हैं आपके स्पॉन्जेस, सेलुलर लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पॉन्जेस में देखने को मिलते हैं, टिश्यू लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉलेंट्रेट्स और टेनोफोर्स में देखने को मिलते हैं, ऑर्गन लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने को प्लैटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिल जाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें देखने को मिल जाते हैं एस्की हेलमेंथिस में, एनिलिडास में, ऑर्थोपोडास में, मोलस्क में, और एकाइनोडर्मेटा में, और कॉर्डेटा में। ओके है, चलिए अब देख लेते हैं इसका अगला क्लासिफिकेशन। अगला क्लासिफिकेशन है हमारे पास कि सिमेट्री के है ना, सिमेट्री के हिसाब से इन्हें कैसे अलग अलग किया गया है। तो देखिए सिमेट्री के हिसाब से तीन तरीके से किया गया है। एक आप देख ही सकते हैं, सबसे नंबर वन है एसिमेट्रिकल, दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री, तीसरा होता है बायलेटरल सिमेट्री। अब ये एसिमेट्रिकल क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि एसिमेट्री का मतलब होता है कि जब दो बॉडी बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगी तो उसे एसिमेट्री कहते हैं। तो इस तरह की एसिमेट्रिकल चीजें किसमें देखने को मिलती है हमें, वो अगेन स्पॉन्जेस में देखने को मिलती है, है ना। मैं अगेन आपको याद दिलाऊंगा कि जाकर के पहले पेज में जो फाइलाज लिखे हुए हैं उन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इनमें दिक्कत ना आए, क्योंकि ये फाइलाज जो है क्लासिफाइड किए गए हैं, तो हम वही क्लासिफिकेशन वन बाय वन देख रहे हैं। तो हम सिमेट्री में थे, सिमेट्री में भी एसिमेट्रिकल में, एसिमेट्रिकल मतलब जो बॉडी को टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करता है प्रॉपरली। दूसरा आपको दिख रहा है रेडियल सिमेट्री। अब भाई रेडियल सिमेट्री क्या होती है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, जब भी कोई प्लेन एक सेंटर से पास होगा तो इट कैन डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। भाई अब ये कहता है कि ये दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा, तो अब अच्छा ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। एक होता है बायलेटरल है ना, तो इसे भी आप थोड़ा सा देख लो कि ये जो बायलेटरल वाला है, ठीक है, ये जो बायलेटरल वाला है, बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, व्हेन बॉडी ऑफ द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट। यहां पर साफ साफ एक चीज लिखी हुई है कि जब उसे बांटा जाए, थोड़ा सही से बना दूं मैं, ये एक पोर्शन और ये एक पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल जब सेम होगा तभी इसे बायलेटरल कहेंगे, है ना। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो है वो आधे आधे भाग में बढ़ती, तो ये भी आधा है ये भी आधा है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये बायलेटरल होगा, समझ गया ना। उसके बायलेटरल होने के लिए राइट और लेफ्ट एक जैसे दिखने चाहिए, बिल्कुल सेम, है ना। अगर वो सेम नहीं दिख रहे हैं फिर भी बराबर हिस्से बटे हैं तो आप उसे बायलेटरल नहीं कहेंगे, आप उसे रेडियल कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखिए रेडियल में कौन आते हैं, रेडियल का एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक है सेल्ट्रेट्स, एक है टेनोफोर्स, एक है इकाइनोडर्मेटा, और एक है इकाइनोडर्मेटा में भी वो भी अडल्ट एज। देखिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि इकाइनोडर्मेटा जो है वो बायलेटरल में भी आता है, लेकिन तब वो अडल्ट स्टेज में नहीं होता, तब वो अपने एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है, है ना। ये बहुत अच्छे से पॉइंट को ध्यान रख लो, इकाइनोडर्मेटा, ये बहुत क्वेश्चन ये आते भी हैं और ये कंफ्यूज भी करते हैं। इकाइनोडर्मेटा दोनों में आता है, रेडियल में भी बायलेटरल में, फर्क कितना होता है कि जब वो रेडियल में होता है तब वो अडल्ट स्टेज में होता है, और जब वो होता है बायलेटरल में तब वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में आ चुका होता है, ठीक है। इसके अलावा बायलेटरल में जो एग्जांपल्स है वो होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस और टू कॉर्डेटा, है ना। प्लैटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक जितने हैं वो सारे इसी में आते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक कैसे मालूम चलेगा कि इसके बीच में कौन कौन से, अगेन आपको फर्स्ट पेज देखना है जहां पर मैंने सब कुछ जितने भी फाइलाज लिखे हैं, तो आप वहां पर जाइए, आपको प्लैटीहेल्मिन्थेस दिखेगा, उसके बाद से आप नीचे तक जाइएगा, कॉर्डेटा तक जितने भी आते हैं वो सारे रेडियल सिमेट्री में आएंगे। ओके गाइस, है ना, चलिए अगली स्लाइड्स देख लेते हैं। अब भैया ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड पार्ट है अपना, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, है ना, कि भाई ये जर्म लेयर पर कैसे बांटा गया। तो जर्म लेयर पर आपको दो तरीके से बांटते हुए देखेंगे, एक है डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो आपको नाम से समझ में आ रहा है, डिप्लो मतलब दो और ट्रिप्लो मतलब तीन, और किसकी बात हो रही है लेयर की, तो बनी बात है इसमें दो लेयर होंगे और इसमें होंगे तीन लेयर, ठीक है। यानी कि ऐसी बॉडी जो कंसिस्ट करती है दो लेयर उसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब ये दो लेयर कौन कौन से होते हैं, इसमें एक लेयर होती है एक्टोडर्म और एक लेयर होती है एंडोडर्म, ठीक है। अच्छा याद रखिए एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक हल्की सी हल्का सा एक लेयर होता है जिसे अनडिफरेंशियल अनडिफरेंशिएटेड लेयर कहते हैं, है ना। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है साहब मीजोग्लिया, है ना, मीजोग्लिया होता है। याद रखिए ये एक जर्म लेयर नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है ना, इट इज नॉट अ जर्म लेयर,
क्लियर है, इट इज नॉट अ जर्म लेयर, ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है, क्योंकि अगर आपने इसे लेयर मान लिया तो फिर इसमें तीन हो जाएंगे, इसमें दो ही लेयर होती है, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, इनके बीच में जो लेयर होती है वो जर्म लेयर नहीं होती है, वो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है, बस वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वहीं पर ट्रिप्लोप्लास्टिक में तीन लेयर होंगी, तो बनी बात है इसमें भी एक एक एक, एक तो एक्टोडर्म ही है, एक एंडोडर्म ही है, और एक और होती है जिसे कहते हैं मीजोडर्म। कंफ्यूज मत होइए, यहां पर ये मीजोडर्म है और यहां पर ये मीजोग्लिया है, ठीक है ना, सारे डर्म डर्म वाले ही जर्म लेयर होते हैं। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं, डिप्लोब्लास्टिक में कौन से ऐसे फाइलाज हैं जो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी रखते हैं, तो आप अगेन देखोगे स्पॉन्जेस, जो कि आपने सीख लिया अभी थोड़ी देर पहले, आप समझ चुके हैं कि किस फाइला में आता है। इस तरह से एक है कॉलेंट्रेट्स, है ना, कॉलेंट्रेट्स में की बॉडी भी डिप्लोब्लास्टिक होती है, इस तरह से टेनोफोर्स की बॉडी भी डिप्लोब्लास्टिक होती है। अब आ जाइए ट्रिप्लोब्लास्टिक किसकी बॉडी होती है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है भाई प्लैटीहेल्मिंथिस की, प्लैटीहेल्मिंथिस से लेकर के अगेन कॉर्डेटा तक सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनमें तीन लेयर होती है जर्म्स की, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म और एक होती है साहब एंडोडर्म। अब आ जाते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ भाई बॉडी कैविटी। सबसे पहली बात तो ये कि ये बॉडी कैविटी की क्लासिफिकेशन देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी कैविटी होती क्या है। बॉडी कैविटी क्या है, ये एक जगह है, यानी कि इट इज अ स्पेस, कहाँ किसके बीच की स्पेस है, ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की स्पेस को ही बॉडी कैविटी कहते हैं। तो बॉडी कैविटी के हिसाब से हमने फाइलास को तीन कैटेगरी में बांट दिया, एक होता है एसिलोमेट, एक होता है सूडोसिलोमेट और एक होता है सिलोमेट, तो तीन तरीके के होते हैं। इनमें से भी अब फटाफट से देख लिया ना, ए सिलोमेट में साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहां पर ए लगा है, मतलब उल्टा, तो सिलोमेट मतलब ए सिलोमेट क्या हुआ, मतलब ऐसी बॉडी जिसमें कैविटी एब्सेंट होती है ना, जिसमें कैविटी नहीं होती है। कैविटी नहीं होने का मतलब क्या है कि वो स्पेस नहीं है, है ना, स्पेस किसके बीच का स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस जो सॉरी किसके बीच का स्पेस नहीं है, जो आपकी बॉडी वॉल है और जो आपकी गट वॉल है उसके बीच में जो स्पेस है वो नहीं है, इसी को कहते हैं एसिलोमेट, है ना, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट भाई। फिर अगला है स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट में अंतर क्या होता है, देखिए इसमें बॉडी कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, इसमें भी बॉडी कैविटी जो है प्रेजेंट होती है, फर्क इतना होता है कि इसकी बॉडी की जो इट इज लाइंड बाय द मीजोडर्मल लेयर, है ना, इसमें जो बॉडी है वो लाइंड होती है मीजोडर्मल लेयर के द्वारा, लेकिन इसमें और स्यूडोसिलोमेट में भी क्या है कि बॉडी तो बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन ये लाइंड नहीं होती मीजोडर्मल लेयर के द्वारा, बल्कि इसकी जगह पर इसमें मीजोडर्मल जो पाउचेस होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं बॉडी के अंदर, है ना, बॉडी कैविटी में ही वो स्कैटर्ड हो चुके होते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट है उसमें कोई लेयर नहीं है मीजोडर्मिक लेयर, लेकिन उस बॉडी कैविटी के अंदर आपको ये स्कैटर्ड बॉडी मीजोडर्मल पाउचेस जो है वो स्कैटर्ड लिखे स्कैटर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, इसमें भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, तो स्यूडोसिलोमेट में और सिलोमेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन एसिलोमेट में नाम से समझ में आ रहा है कि उसमें कोई प्रेजेंट नहीं होता है, इन दोनों में होता है। इसमें आप समझ चुके हैं कि इसमें क्या है कि मीजोडर्मिक लेयर होती है लेकिन इसमें मीजोडर्मिक लेयर नहीं होती है, मीजोडर्मिक लेयर की जगह बॉडी कैविटी में ही ये बिखर जाते हैं, कौन जो आपके मीजोडर्मल पाउचेस है वो बिखरे हुए रहते हैं बॉडी कैविटी के अंदर ही। अच्छा, अब यहाँ पे सिलोमेट को भी दो तरीके से बांटा गया है, होता है शिजोसील और एक होता है एंट्रोसील। अब भाई शिजोसील क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द मीजोडर्मल मास, ठीक, इट इज फॉर्म्ड बाय द मीजोडर्मल मास। और ये क्या होता है एंट्रोसील, ये होता है इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के है ना, ये जो है ये गट पाउच, ये गट पाउचेस के फ्यूजन के द्वारा बनता है, ठीक है। तो आपको शिजोसील में जो एग्जांपल्स हैं वो देख लीजिए, जैसे कि एनिलिडाज आते हैं, ऑर्थोपोडाज आते हैं, मोलस्का आते हैं, है ना, ये सिलोमेट में भी शिजोसील में आते हैं, और सिलोमेट के ही एंट्रोसील में जो आते हैं वो होते हैं भाई इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारे के सारे आ गए, ठीक। और जिसमें ये बॉडी कैविटी नहीं होती उसका एग्जांपल क्या होता है, उसका एग्जांपल होता है स्पॉन्जेस, अगेन आप क्लियर हो इस बात को लेकर के। ओके गाइस, आज ये देख लेते हैं लास्ट पार्ट को, है ना, अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है और ये हमने किया है बॉडी प्लान के ऊपर। देखिए बहुत क्लियर रही, इससे पहला वाला जो अपना पार्ट था वो वाला कौन सा था, उसमें अपन इससे पहले वाले में अपन बात कर रहे थे बॉडी कैविटी की, ठीक है, और अब अपन बात कर रहे हैं बॉडी प्लान की, बहुत अच्छे से। तो बॉडी प्लान के हिसाब से भी इसे तीन कैटेगरी में बांट दिया गया, एक आपको दिख रहा है सेल एग्रीगेट, एक आपको दिख रहा है ब्लाइंड सैक टाइप, और एक आपको दिख रहा है ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप,
ओके अब सेल एग्रीगेट समझने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल अगेन स्पॉन्जेस है, यू नो इट वेरी वेल। अगला है कि ये जो ब्लाइंड सैक क्या होता है। देखिए ब्लाइंड सैक में जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है अपनी, है ना, जो पाचन वाली जो नली होती है वो इसमें इनकम्प्लीट होती है ना, जो इसमें इनकम्प्लीट होती है। इस तरह की बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो इनकम्प्लीट है। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है कि भाई आपने माउथ से खाया और एनस से उस चीज को आप निकाल देते हो, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है, इसी को पूरी डाइजेस्टिव पाइप कहते हैं। तो इसमें ये इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या है कि इन दिस बॉडी सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट, इसमें आपको सिर्फ एक ही ओपनिंग मिलेगी, दूसरी ओपनिंग नहीं दी हुई है ना। ओपनिंग प्रेजेंट मतलब कि यही खाता है, यानी कि यही उसका माउथ है और यही उसका एनस है, ठीक है। इसी एक सिंगल पोर्शन सिंगल ओपनिंग से वो काम करता था, उसी को कहते हैं ब्लाइंड सैक टाइप। तो ये कौन कौन से फाइलाज होते हैं जो इसमें इस तरह का काम करते हैं भैया? तो ये होते हैं भाई एक कोलेंड्रेट्स और एक होता है आपका प्लैटी हेलमिंथेस, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब क्या होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें ओपनिंग अलग है और इसकी मतलब इसका माउथ अलग है, दो ओपनिंग होती है इसमें। तो आपको दिख रहा होगा लिखा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक मिलता है आप लोगों ने। इसमें जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, ये अपने को कंप्लीट है ना प्रेजेंट मिलेगा। तो इन दिस बॉडी क्या है भैया कि जो टू सेपरेट ओपनिंग्स रखी गई हैं, बोथ आर फॉर माउथ एंड एनस, तो ठीक है। तो ये एक ये रहा, एक ये रहा, तो यहां से ये इन लेगा और यहां से आउट कर देगा। तो आप इसे कह सकते हो कि ये एनएस है और आप इसे कह सकते हो कि ये उसका माउथ है। तो ये एक ऐसी बॉडी है और इस तरह की बॉडी जो फाइला शो करते हैं वो आपको दिख रहे हैं। कौन सी शो करती है, कौन से फाइला शो करते हैं? नीमेटहेलमिंथेस शो करता है और एक आपका कॉर्डेटा शो करता है।